देख रहे हैं अद्भुत हिंदी राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों उस रोज दिन के 3 बज रहे थे। रजक अपने ऑफिस के केबिन में बैठा काम कर रहा था, तभी बादलों की गड़गड़ाहट ने रजक का ध्यान अपनी ओर खींचा और जब उसने अपनी नज़र खिड़की से बाहर मौसम पर डाली तो उसने पाया कि बाहर तो बारिश हो रही है। बारिश से आती ठंडी हवाओं के चलते रजक का मन खुश हो गया। बारिश का मौसम रजक को बड़ा सुहाना लग रहा था और वो अभी बाहर देख ही रहा था कि तभी रजक के फ़ोन की घंटी बजी। तो वो अपने पीछे टेबल पर पड़े अपने फ़ोन की तरफ बढ़ा, पर जब तक रजक फ़ोन के पास पहुंचा कि तब तक फ़ोन कट हो गया। फिर जब उसने फ़ोन उठाया तो उसमें किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया हुआ था। उसने वापस से वो नंबर डायल किया जिससे उसे कॉल आया था, पर उस पर अब फ़ोन नॉट रीचेबल जा रहा था। वो सोच में पड़ गया कि भला ये किसका कॉल हो सकता है। खैर वो फ़ोन को साइड में रखते हुए फिर से बाहर का नज़ारा निहारने लगा। इसी बीच फिर से उसकी फ़ोन की घंटी बजी, पर इस बार फ़ोन उसकी बीवी का था जो उसे जल्दी घर पर आने को कह रही थी। जब रजक ने पूछा तो उसे पता चला कि उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई है। ये सुनकर रजक जहाँ मौसम का लुफ्त उठा रहा था तो अब वो थोड़ा चिंता में पड़ गया था। लिहाजन उसने अपना सामान बटोरा और जल्दी से कार में बैठा, पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसने काफ़ी कोशिश की पर वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। रजक के लिए ये एक नई मुसीबत आन पड़ी थी। वो सोचने लगा कि आखिर वो इस बारिश में घर कैसे पहुँचे। तभी रजक का ध्यान ऑफिस के पीछे वाली गली में एक गैराज पर गया। लिहाजन उसने वहीं पर मौजूद गार्ड से छाता लिया और निकल पड़ा उस गैराज की तरफ। रजक तुरंत ही मैकेनिक लेकर अपनी कार के पास आया, जिसे ठीक होते होते तकरीबन 1.5 घंटा हो गया था। फिर थोड़ी देर के बाद जब उसकी गाड़ी ठीक हुई तो वो उसे लेकर जल्दी से अपने घर की तरफ चल दिया। अब लगभग 4 बज चुके थे। उसका घर उसके ऑफिस से बहुत ही ज़्यादा दूर था और जिस रोड पर वो ड्राइव कर रहा था वो रोड जंगल से घिरा हुआ था, पर रजक अपनी गाड़ी को सही स्पीड के साथ भगाया जा रहा था। बारिश अभी भी हो ही रही थी, लेकिन रजक का ध्यान सिर्फ अपने बेटे और गाड़ी को ड्राइव करने पर ही था। रजक अपने घर की ओर अपनी गाड़ी लेकर जा ही रहा था कि तभी अचानक से बीच रास्ते में उसकी गाड़ी फिर से बंद हो गई। तभी वो मजबूरन उस बूंदाबांदी में गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी को देखने लगा, पर उसे कोई भी खराबी नज़र नहीं आई, जिससे वो परेशान होकर गाड़ी के अंदर ही बैठ गया। वो अंदर बैठकर उस गैराज वाले पर गुस्सा करते हुए बोल रहा था कि ये कैसे गाड़ी ठीक की है जो ये इतनी जल्दी बंद पड़ गई। वो इतना बोल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी मोनिका का फ़ोन आ गया। वो उसे कहने लगा कि उसकी गाड़ी बीच रास्ते में ख़राब हो गई है और ये रास्ता जंगल के पास वाला रास्ता है। तभी मोनिका ने कहा कि आप परेशान ना हो, अब बेटे की तबीयत ठीक है और मैं आपको लेने आ जाती हूँ। पर रजक ने उसे मना कर दिया और घर पर रहने को कहा। उसने कहा कि वो टैक्सी लेकर घर पहुँच जाएगा। ऐसा कहकर उसने फ़ोन रख दिया। तभी उसकी नज़र सामने की तरफ गई तो सामने उसे एक आदमी दिखाई दिया और उस रास्ते पर वो आदमी इतनी तेज बारिश में उसकी गाड़ी से थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर उसे घूरे जा रहा था। रजक ने सड़क पर चारों ओर नज़र घुमाई पर उसे उस आदमी के अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी शाम के 6:30 बज चुके थे, पर बारिश के कारण ऐसा लग रहा था कि मानो 8 बज चुके हैं। रजक उस आदमी की ओर देख ही रहा था, पर वो आदमी अपनी नज़र रजक की गाड़ी से नहीं हटा रहा था। तभी रजक गाड़ी से नीचे उतरा और उस आदमी की तरफ जाने लगा। रजक अक्सर रात में इस रास्ते से गुजरता था तो उसे रात में अकेले जाने से कोई डर नहीं लगता था। तभी वो गाड़ी से नीचे उतरा तो अब वो आदमी वहाँ पर मौजूद ही नहीं था और उस आदमी को वहाँ न पाकर वो थोड़ा सोच में पड़ गया और इधर उधर देखने लगा, पर चारों ओर सिर्फ बारिश की बूंदाबांदी और घोर सन्नाटा ही नजर आ रहा था। उसके बाद रजक ने सोचा कि थोड़ा आगे की तरफ जाकर देखता हूँ, शायद वो आदमी नजर आ जाए, पर वो आदमी कहीं भी नजर नहीं आया। खैर उस आदमी को वहाँ ना पाकर रजक थोड़ा सोचने लगा और तभी वो पीछे मुड़ा तो इस बार जो उसने देखा तो रजक के तो होश उड़ गए। दरअसल वो आदमी अब उसकी गाड़ी में बैठा था। रजक उस आदमी को गाड़ी में देखकर तुरंत ही उस ओर दौड़ा और गाड़ी के दरवाजे खोलकर उससे कहने लगा कि अरे भाई तुम गाड़ी में कैसे बैठ गए। पर वो आदमी रजक की बातों पर सिर्फ हंसे ही जा रहा था, ना तो वो कुछ बोला और ना ही गाड़ी से बाहर निकला। तभी रजक ने गुस्से में आकर उस आदमी का हाथ पकड़ा तो रजक ने तुरंत ही उसका हाथ छोड़ दिया। पता नहीं उस आदमी का हाथ बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, और तो रजक के हाथ में एक जोर का झटका भी लगा जिससे रजक पीछे हट गया।
पहले तो उस आदमी का गायब हो जाना और फिर एकदम से उसकी कार में बैठ जाना और अब ये सब होना। रजक को ये सब बता रहा था कि ये शख्स कोई मामूली इंसान तो नहीं है। लिहाजन रजक ने लड़खड़ाती जुबान से कहा, आप कौन हैं और क्या चाहिए तुम्हें? तो उस आदमी ने धीरे से कहा कि मुझे आगे एक पुलिया तक छोड़ दो, मैं वहीं से अपने घर चला जाऊंगा। तभी रजक ने मन ही मन सोचा कि आगे रास्ते में तो कोई पुलिया है ही नहीं। खैर रजक ने फिर से डरते हुए कहा कि उसकी गाड़ी तो खराब है, वो आगे तक कैसे जाएगा? पर उस आदमी के कहने पर रजक गाड़ी में बैठ गया और उससे गाड़ी स्टार्ट करने को कहा, तो गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो गई। रजक उस शख्स के बगल में बैठकर गाड़ी चला तो रहा था, मगर उसके चेहरे पर खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। रजक से गाड़ी भी सही से ड्राइव नहीं हो पा रही थी। उसका मन और दिलो दिमाग बस उस आदमी पर ही था। उसकी अब हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो एक बार उस आदमी की ओर अपनी गर्दन घुमाकर देख ले। चलते चलते गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई कि अब गाड़ी को कंट्रोल करना उसके बस की नहीं थी। खैर गाड़ी कब पुलिया पर जाकर रुक गई उसे पता ही नहीं चला। गाड़ी के पुलिया पर रुकते ही रजक की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि उस पुलिया पर रजक अकेला नहीं था बल्कि और भी बहुत सारे लोग थे जो कि किसी मूर्ति की तरह खड़े थे। अभी रजक उन इंसानी पुतलों को देख ही रहा था कि तभी उसके गाड़ी का दरवाजा खुला और जब रजक का ध्यान उस ओर गया तो उसने देखा कि अब उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर दो लोग बैठे हैं जो उसे एक तरफ घूरे जा रहे हैं। अब रजक को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो गाड़ी छोड़कर भाग जाए या फिर गाड़ी में ही रुके रहे। फिर जब गाड़ी की हेडलाइट अपने आप ही ऑन हो गई तो रजक को लगा कि गाड़ी यहाँ से चलने वाली है, पर जब गाड़ी सीधे आगे जाने की जगह उस पुलिया के एक दाईं ओर जाने लगी तो रजक को ये एहसास हो गया कि गाड़ी पुलिया के नीचे गिरने वाली है। लिहाजन रजक फौरन ही गाड़ी से नीचे कूद गया। रजक के गाड़ी से कूदते ही गाड़ी पुलिया से नीचे गिर गई। रजक फौरन ही उठा और वहां से भागा। रजक उस पुलिया पर भागे तो जा रहा था पर वो पुलिया पार नहीं कर पा रहा था, मानो वो पुलिया लंबी ही होती जा रही हो। वहीं रजक अब हांफने लगा था और वो चाह कर भी भाग नहीं पा रहा था। और जैसे ही रजक के पैर थमे, पैरों के थमते ही रजक ने देखा कि अब वो सारे लोग जो किसी मूर्ति की तरह उस पुलिया पर घूम रहे थे, अब वो सारे के सारे उसके ही ओर बढ़े चले आ रहे थे। रजक ये तो अब जान चुका था कि वो इस जगह से भाग नहीं सकता, उसे बचने का कोई दूसरा उपाय खोजना होगा। पर अब तक डर ने दिमाग को खाली कर दिया था, जिसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं बची थी। और जब वही शख्स वापस लौट आया जो उसे यहाँ पर लेकर आया था, तो रजक की रही सही हिम्मत भी अब टूट गई। रजक अपने घुटनों के बल बैठ गया और अपने आंखें बंद करके अपने बीवी बच्चों को याद करने लगा। रजक अभी अपने परिवार वालों को याद ही कर रहा था कि तभी रजक को एक आवाज़ सुनाई दी, जान बचाना चाहते हो तो अभी पुलिया से नीचे कूद जाओ। रजक ने वो आवाज़ सुनते ही अपनी आंखें खोली और बिना कुछ सोचे समझे उस पुलिया से नीचे छलांग लगा दी। पुलिया के नीचे काफ़ी गहरा पानी था, जिस वजह से रजक बच गया और फिर वो उस पानी से निकल कर बाहर आ गया। पर रजक की मुश्किलें अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। उसे ये तलक नहीं पता था कि आखिर वो है कहाँ पर। रजक ने अपना फ़ोन निकाला तो फ़ोन भीगने के बाद खराब हो गया, जिस वजह से वो किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर सकता था। कुछ देर और सोचने के बाद रजक वो आवाज़ देने वाले की तरफ चल पड़ा जिसने उसे पुलिया से कूदने को कहा था। शायद अब एकमात्र वही उम्मीद बची थी। रजक उस ओर चल तो पड़ा था पर उसे ये पता नहीं था कि वो आदमी उसे मिलेगा भी या नहीं। काफ़ी चलने के बाद भी जब रजक को वो आदमी नहीं मिला तो वो वहीं थक हार कर बैठ गया। अभी रजक बैठा ही था कि तभी फिर से उसी आदमी ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, इधर आ जाओ। वो आवाज़ सुनते ही रजक उठा और पीछे पलटा। पीछे रजक को एक आदमी नजर आया जिसके हाथ में एक लालटेन थी। उस लालटेन वाले आदमी पर नज़र पड़ते ही रजक उसकी तरफ भागा और उसके पास जाते ही एकदम से रो पड़ा। रजक को रोता देख उस आदमी ने रजक से कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, अभी मेरे साथ चलो। चूंकि रजक के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था सिवाय उस आदमी के साथ जाने के, फिर जब रजक उस आदमी के पीछे पीछे उसके ठिकाने पर पहुंचा तो रजक ने देखा कि वो आदमी उसे एक गुफा के मुहाने ले आया है। उस गुफा को देखते ही रजक एकदम से रुक गया, क्योंकि उस गुफा के अंदर बहुत ही अंधेरा था। उसे डर था कि कहीं यह आदमी उसे कुछ कर ना दे। तभी उस आदमी ने रजक को आवाज़ देते हुए कहा, अरे अंदर आओ, रुक क्यों गए? रजक की हिम्मत तो नहीं हो रही थी अंदर जाने की, पर रजक डरते ही सही लेकिन अंदर चला ही गया। जब वो गुफा के भीतर तक गया तो उसने देखा कि उस जगह पर कुछ पूजा पाठ जैसी चीज़ें रखी हुई है।
उस आदमी को भी देखने से लग रहा था कि वो आदमी कोई तांत्रिक जैसा है। उस आदमी ने उसे बैठने को कहा और पीने के लिए पानी दिया। फिर उस आदमी ने कहा कि तुम इस जगह से अभी नहीं निकल सकते क्योंकि ये जगह प्रेत बाधित है, यहाँ से तुम सिर्फ सुबह ही जा सकते हो। फिर रजक ने पूछा, क्यों, अभी क्यों नहीं जा सकते? तो उस आदमी ने कहा कि रात के समय पुलिया पर खड़े वो पुतले तुम्हें अपना जैसा बना लेंगे और तुम हमेशा हमेशा के लिए इन्हीं के साथ रह जाओगे। फिर रजक ने उस आदमी को उस आदमी के बारे में बताया कि वो आदमी कौन था जो मुझे यहाँ तक लेकर आया था। तब उस आदमी ने कहा कि वो आदमी यहीं पास के ही गांव का एक सरपंच है जो लोगों को रात के समय छल से यहाँ पर लेकर आता है और उनसे मजदूरी करवाता है। कहते हैं जो उसकी बात नहीं मानता वो हमेशा के लिए पुतला बन जाता है। कहते हैं जब वो सरपंच था तब वो इस पुलिया का निर्माण करवा रहा था, पर कुछ चलने वालों ने उसे पुलिया बनाने से रोकना चाहा, पर जब वो नहीं माना तो उसे जान से मार दिया। लेकिन उसके मरने के बाद भी पुलिया बनाने का काम आज भी जारी है। अभी वो आदमी रजक को और भी कुछ बता ही रहा था कि इसी बीच रजक की आंख लग गई, और जब रजक की आंख खुली तो सूरज की तेज किरण रजक के ऊपर पड़ रही थी। पर अब जो सामने नज़ारा था उससे रजक हैरान हो गया। रजक ने चारों तरफ देखा तो ना ही तो वहाँ पर वो पुलिया थी और ना ही वो गुफा। रजक ने उस आदमी को भी देखा पर वो रजक को कहीं भी नहीं दिखा। पता नहीं वो कौन था और कहाँ चला गया ये तो नहीं मालूम। खैर रजक जल्दी से वहाँ से निकला और किसी तरह सड़क तक पहुँचा जहाँ गाड़ियों का आना जाना हो रहा था। फिर रजक किसी तरह अपने घर पहुँचा तो उसकी बीवी बहुत दुखी थी, जिसे पहले तो उसने शांत किया और फिर सारी बात बताई जो महज एक छलावा था। फिर बाद में उसने अपनी गाड़ी की खोजबीन की तो वो गाड़ी रजक को वहीं सड़क के किनारे ही खड़ी मिली, पर उसके बाद से रजक देर रात कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।